हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिक्स चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि शरीर रचना विज्ञान एंड क्रिया विज्ञान। एंड दोस्तों, इसमें से टॉपिक है ग्लैंड यानी कि ग्रंथियाँ, जिसमें से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, मिश्रित ग्रंथियाँ, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तीन चार पार्ट में क्लियर हो पाएगा आपका। ग्रंथियाँ बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन की सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, एंड वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री में है। एंड 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर भी बनाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है। तो नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, यानी कि जिसमें नलिका नहीं होती है, डायरेक्ट अपने हार्मोन्स को रक्त में छोड़ती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं दोस्तों, ग्रंथि के सभी पार्ट पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, सभी वीडियोज को आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे छोटा सा ओवरव्यू आपको देती हूँ। जैसे कि ग्रंथियाँ यानी ग्लैंड होता क्या है। शरीर में उपस्थित छोटे छोटे थैले होते हैं, जिसमें हार्मोन्स स्रावित होता है, भरा रहता है, या एंजाइम, इसी दोनों के स्टोरेज को हम ग्रंथि कहते हैं या ग्लैंड कहते हैं। तीन प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि नलिका विहीन, इसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एंड दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं जिसमें हार्मोन्स स्रावित होता है, जिसके अंतर्गत पीयूष, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, सेक्स ग्रंथियां आती हैं। एंड दूसरा होता है वाह यानी नलिका युक्त, जिसमें नलिका होती है, अपने एंजाइम्स को नलिका के द्वारा एंजाइम स्रावित होता है, ब्लड से संपर्क नहीं होता है, इसमें नलिका युक्त होती है। अवाही ग्रंथियों में आपका लीवर, लार ग्रंथि, दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि आता है। एंड तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड, जिसमें आग्नाशय आता है, जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, इन्हीं से रिलेटेड आज का क्वेश्चन होगा। तो चलिए जानते हैं, पहला क्वेश्चन है कि नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है। तो नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, इंग्लिश में इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंड नलिका विहीन मतलब नलिका नहीं होता है, ये अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त में छोड़ती हैं, ब्लड के संपर्क में रहती हैं। नेक्स्ट है, एंडोक्राइन शब्द किस भाषा से लिया गया है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है, ग्रीक भाषा में एंडोक्राइन से क्या तात्पर्य है। तो ग्रीक भाषा में एंडोक्राइन से तात्पर्य है अंदरूनी स्त्राव। नेक्स्ट, हार्मोन का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ है दोस्तों। तो हार्मोन का अर्थ होता है उत्तेजित करना, क्या है, उत्तेजित करना। नेक्स्ट, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से लोब होते हैं दोस्तों। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो अग्रपाली एंड पश्चपाली होता है, अग्रपाली यानी कि एंटीरियर लोब और पश्चपाली यानी कि पोस्टीरियर लोब। अग्रपाली से 7 हार्मोन्स स्रावित होते हैं, और अग्रपाली यानी कि एंटीडाई एडिनो हाइपोफाइसिस, और पश्चपाली यानी कि पोस्टीरियर लोब में नीरो हाइपोफाइसिस। इसमें दो पश्चपाली से नीरो हाइपोफाइसिस से दो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, यह पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, यह खोपड़ी के निचले हिस्से में स्फेनॉइड हड्डी के पास पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है,
यानी कपाल की जो खोपड़ी की स्पिनाल हड्डी के सेला टर्सिका नामक गर्त होता है, उसमें मक्का यानी मटर के दाने के समान छोटा छोटा गोल गोल दिखाई देता है। इसका वजन 0.5 ग्राम होता है। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, वह कौन सी ग्रंथि होती है जो मानव शरीर को अन्य सभी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि के एंटीरियर लोब में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? दोस्तों एंटीरियर लोब यानी कि अग्रपाली, यानी जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस बोला जाता है, इसे 7 हार्मोन से स्रावित होते हैं। कौन कौन से? सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स एंड गोनोडोट्रॉफिक हार्मोन एंड एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, थायरोट्रॉफिक हार्मोन, लेक्टोजेनिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, डायबेटोजेनिक हार्मोन एंड मिलोनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स, ये सभी स्रावित होते हैं। तो इसमें से आपको क्या दिया है? आपको छांटना है कि कौन कौन से हार्मोन्स है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से। यहाँ सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स, थायरोट्रॉफिक हार्मोन्स, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, गोनोडोट्रॉफिक हार्मोन, तो ये सभी है। ठीक है, तो आपका नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी सभी ऑल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो पोस्टीरियर लोब से स्रावित होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। कौन सा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं पोस्टीरियर लोब से। यहाँ ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है। जैसे कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वह हमारे ब्रिक यानी किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन है वो कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है, जल को अवशोषण को करता है, जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र के आयतन को यह कम कर देता है। इसी कारण इसे मूत्र रोधी या एंटी डायूरेटिक भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को मूत्र रोधी हार्मोन भी बोला जाता है, और इसकी जब कमी हो जाती है तो मूत्रलता यानी डायूरेसिस रोग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब कमी हो जाती है इसके तो यह जल का अवशोषण नहीं कर पाता है, तो मूत्र गाढ़ा हो जाता है, और जल का अवशोषण मतलब कम हो जाता है तो जल का अवशोषण नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है कि मूत्र में ज्यादा पानी आने लगता है, यानी मूत्र पतला और रुधिर गाढ़ा हो जाता है, इससे रुधिर दाब कम हो जाता है। और अधिक स्रावित होने से क्या हो जाता है कि ज्यादा अधिक स्रावित होगा तो ज्यादा जल का अवशोषण करेगा, तो मूत्र गाढ़ा और ब्लड पतला हो जाएगा और रक्त दाब बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज इंसिपिडिस बोला जाता है। इसमें बार बार पेशाब आता है और शरीर में अत्यधिक पानी निकलता है। और ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जो होता है यह दूध का स्त्राव करता है, इसमें दूध बनता है। इलेक्ट्रोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन भी इसको कहते हैं। इसका निर्माण गर्भावस्था के अंतिम स्थिति में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य की वृद्धि किस हार्मोन पर निर्भर करती है? तो दोस्तों मनुष्य की जो वृद्धि होती है वो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन पर निर्भर करती है। इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, इसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी बोला जाता है, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन को। हमारे मनुष्य की जो वृद्धि होती है वह इसी हार्मोन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि के कार्य को कौन सा, जैसे कि दोस्तों जो वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन है, इसकी कमी यदि शरीर में हो जाता है तो इंसान बौनापन बौना हो जाता है, बच्चों में बौनापन रोग हो जाता है यानी कि डिवार्फेज में, एंड वयस्कों में पिट्यूटरी मिक्सिडिमा हो जाता है। एंड अगर वृद्धि हो जाती है, ज्यादा स्थायित्व होता है सोमेटोट्रॉफिन यानी वृद्धि हार्मोन्स की, तो अति वृद्धि यानी कि ग्वान्टिज्म रोग हो जाता है, और अग्रातिकायता यानी एक्रोमिलगी वयस्कों में जीएस की अधिकता से बहुत भीमकाय शरीर हो जाता है। क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि के कार्य को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि के कार्य को जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है थायरोट्रोफिन हार्मोन,
वही थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। जैसे कि पीयूष ग्रंथि का काम ही है कि अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करना, संचालित करना, तो जो थायराइड ग्रंथि से थायरोट्रोफिन हार्मोन्स होता है वह थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है, हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कार्यों को नियंत्रित करता है? तो यह भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो होता है वह एड्रिनल ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, पुरुष और महिलाओं में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के स्राव को कौन नियंत्रित करता है? तो यह आपका ल्यूटेंजिंग हार्मोन इस नियंत्रित करता है। कौन हार्मोन? ल्यूटेंजिंग हार्मोन नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, महिलाओं में कौन सा हार्मोन शिशु के दूध पिलाने के दौरान सहायक होता है? तो कौन सा हार्मोन इस सहायक होता है दोस्तों? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जैसे कि पशुओं में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है तो दूध वो सब ज्यादा देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की चयापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर की चयापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में थायराइड ग्रंथि सहायक होती है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होता है दोस्तों, मनुष्य की सभी प्रकार की उपापचय क्रियाओं की गति को नियंत्रित और ऑक्सीकृत करता है, और यह आंत में ग्लूकोज के अवशोषण, कोशिकाओं में ग्लूकोज की पूर्ति, बीएमआर यानी कि आधारित उपापचय दर, हृदय स्पंदन दर, प्रोटीन संश्लेषण की गति एवं शरीर के ताप आदि को नियंत्रित करता है। कौन? थायराइड ग्रंथि। थी आप मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नाम सुनते ही समझ जाइएगा कि वो सभी क्रियाएं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है दोस्तों? ये आप सबको पता है, कहाँ पे? हमारे गले पर जो कंठ होता है उसके पास सामने की ओर ट्रेकिया के ऊपर होता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है दोस्तों? जब थायरोक्सिन की हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्रिटिनिज्म यानी बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है, एंड मिक्सिडिमा हो जाता है। बच्चों में शारीरिक मानसिक वृद्धि रुक जाती है क्रिटिनिज्म में, जिसे जड़ वामनता भी कहते हैं, एंड मिक्सिडिमा जो वयस्कों में ये बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति मोटा व आलसी हो जाता है, दिमाग कम काम करता है, उसकी उपापचय क्रिया धीमी हो जाती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है ये बच्चों में क्रिटिनिज्म में यानी जड़ वामनता, और वयस्कों में मिक्सिडिमा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के ज्यादा स्रावित होने से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा घेंघा, क्योंकि इससे चयापचय क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों, जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है यह ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके पृष्ठ भाग पर छोटे छोटे चार दाने के समान जोड़े में होता है। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि जो होता है वह थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर मटर के दाने के समान चार की संख्या में होता है। और दोस्तों, यह आपको ध्यान में रखना है कि पैराथायराइड ग्रंथि जो होता है इस पर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता है। एक ही ग्रंथि है जिस पर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता है, और इसका कार्य होता है कि यह रक्त और शरीर में कैल्शियम की उचित मात्रा को बनाए रखता है, बनाए रखने में योगदान देता है, और यह यूरिन के रास्ते कैल्शियम की मात्रा के उत्सर्जन को काम करता है, जैसे कि विटामिन डी इसमें सहयोग करती है, और पेशी संकुचन, प्रेरणा, संवहन, रक्त स्कंदन एवं अस्थि निर्माण में सहायता करता है, हड्डियों के विघटन को कम तथा मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाकर पैराथार्मोन के से विरोधी भूमिका निभाता है। तो इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यह ग्रंथि संख्या में चार होती है जो कि थायराइड ग्रंथि के दोनों तरफ दो दो गोल
दो दो गले के पास होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है, पैराथायराइड ग्लैंड क्या कार्य करती है? तो पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वह किसका कार्य करती है? यह कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, देखिए मेटाबॉलिज्म क्रिया हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है सभी प्रकार की मेटाबॉलिज्म चयापचय क्रिया को, लेकिन कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म का बात कहेगा तो पैराथायराइड ग्रंथि हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो यह कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है तथा रक्त तथा हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। कौन? पैराथायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है, पैराथायराइड हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें टिटैनी रोग हो जाता है। टिटैनी में क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाता है, फास्फेट की अधिक, जो पेशियों तंत्रिकाओं में उत्तेजना ऐंठन और कंपन होने लगती है। यही क्रिया जल्द लंबे समय तक होती है तो उसी को टिटेनी कहा जाता है, और इसको हाइपोकैल्सीमिया भी बोला जाता है। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी हो जाना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, पैराथायरमोन की ज्यादा मात्रा से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों अगर पैराथायरमोन कि ज्यादा मात्रा स्थापित होगा तो कैल्शियम की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? हड्डियों से कैल्शियम निकल निकल करके रक्त के सेरम से आने लगता है, और क्या होता है कि रक्त में कैल्शियम के अधिक आने से गुर्दे यानी किडनी किडनी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने से आगे चलकर उसमें पथरी बन जाता है, जिसके कारण गुर्दे के फेल होने की संभावना होती है, यानी कि किडनी के फेल होने की। यहाँ पे पैराथायरमोन कि ज्यादा मात्रा में से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? किडनी फेलियर, ध्यान में रखिएगा, किडनी फेल हो जाता है। नेक्स्ट है, थाइमस ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है? तो दोस्तों थाइमस ग्लैंड हमारे हृदय के पास, महाधमनी के पास स्थित होती है, जहाँ हमारा ट्रैकिया जो श्वास नली होता है दो भागों में बंटती है, दो शाखाओं में, वहीं पे हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, जैसे कि हमारे वृक्ष पर। तो थायमस ग्लैंड कहाँ पे होता है? हमारे थोरेक्स पर, यहाँ पे थोरेक्स आपका सही हो जाएगा, वक्ष पर। जैसे कि दोस्तों ये थायमस ग्लैंड जो होता है यह क्या करता है? यह हमारे इम्यून सिस्टम को बरकरार रखता है। जैसे कि बच्चों में ज्यादा इम्यून सिस्टम होता है थायमस ग्लैंड के कारण, मतलब वो कुछ भी खाते हैं, मिट्टी भी खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, वो पच जाता है, बट बड़े होने पर यह क्या होता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वृद्धावस्था आते तक थायमस ग्लैंड खत्म हो जाती है। थायमस ग्लैंड जो होता है दोस्तों यह इसके द्वारा प्रतिरक्षी तंत्र के विशिष्ट कोशिकाओं, जैसे कि यह लसिका तंत्र का मुख्य अंग है, इसके द्वारा प्रतिरक्षी तंत्र के विशिष्ट कोशिका जैसे कि टी लिम्फोसाइट का विकास होता है। टी लिम्फोसाइट कलता क्या है? यह WBC में होता है, जो वह जीवाणु और विषाणुओं से शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। तो यह थाइमस हार्मोन, इसे थाइमस हार्मोन निकलता है जो लिम्फोसाइट के निर्माण में सहायक होता है और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए में सहायक करता है। तो इसे लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड से निकलता है। तो बी लिम्फोसाइट जो वृद्धावस्था पहुंचने पर यह समाप्त हो जाती है, और टी लिम्फोसाइट जो है थाइमोसिन से क्रिया करके रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुपर रीनल ग्रंथी। क्या नाम है? सुपर रीनल ग्रंथी। नेक्स्ट है, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो आप सबको पता है किडनी के ऊपर स्थित होती है, दोनों किडनी के ऊपर। नेक्स्ट है, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है? जैसे कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला दो भाग है, कॉर्टेक्स भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो कार्टिसोल। कॉर्टेक्स भाग से कार्टिसोल, जिसे कार्टिकोस्टेरॉन भी कहते हैं, एंड एल्डोस्टेरॉन यानी कि मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स यानी कि खनिज नियंत्रक हार्मोन भी स्रावित होता है, और गोनेडो कॉर्टिकोइड्स ये सब भी स्रावित होता है। तो यहाँ पे कार्टिसोल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एड्रेनल ग्लैंड के मेडुलरी नामक स्थान से कौन से दो हार्मोन्स निकलते हैं? तो मेडुला भाग से
एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन का स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों, थाइमस ग्लैंड का क्या कार्य है? थाइमस ग्लैंड का क्या कार्य है दोस्तों? यह शरीर में एंटीबॉडीज का उत्पादन करता है जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, जीवाणुओं से रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एंटीरियर लोब से सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स, थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स, क, ख आपका दोनों यानी कि ए एंड बी दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स किसे कहते हैं? एंटी डायबिटिक हार्मोन्स इंसुलिन हार्मोन को बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, हार्मोन जैसे कि होता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, हार्मोन प्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो जैसे आपको सबको पता है, इंसुलिन की कमी से शुगर हो जाता है यानी कि डायबिटीज, क्योंकि रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज, मधुमेह। क्यों? रक्त की मात्रा, रक्त में क्या हो जाता है? शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इसलिए कन्वर्ट करता दोस्तों, है। ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, तो इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं कर पाता है, जिससे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। नेक्स्ट दोस्तों, हाइपर ग्लाइसेमिया किसे कहते हैं? हाइपर शब्द लगा है यानी कि किसी चीज की ज्यादा मात्रा होना, तो हाइपर ग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया दो होता है। हाइपर मतलब ज्यादा, यानी कि रक्त में शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हाइपर ग्लाइसेमिया यानी कि रक्त में शर्करा की मात्रा ज्यादा होना। तो रक्त की शर्करा, रक्त में शर्करा की मात्रा कब ज्यादा होगा? जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे इंसुलिन की कमी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिकोना आकार का कौन सा ग्लैंड होता है? तो यह आपका होता है पैंक्रियाज यानी कि आग्नाशय। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चंस होंगे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इतना आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप मेरे लिए एक छोटा सा बस मेहनत कर दीजिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।